आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राजा राम मोहन राय के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की डेथ हुई थी। तो इससे रिलेटेड वेरी इम्पॉर्टेंट आज का सेशन हमारा रहने वाला है। हम सबको जानेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। अदर फ्रंट पेज की न्यूज़ देख लेते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा कोई भी आर्टिकल छोड़ा नहीं जाता, इन फ्यूचर वो इलेबरेटली डिस्कस किया जाता है, अदर कोचिंग सेंटर की तरह नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज का क्या है, केजरीवाल ने अपना प्लान अनवेल किया है कि कैसे वो कर्व करेंगे पॉल्यूशन को। देखो क्या होता है, तो स्टबल बर्निंग इतना बड़ा रीज़न नहीं है इस, मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन का। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, देखो आप जब ये हमारा प्यारा इंडिया है, जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चलता है तो अच्छी बारिश होती है गर्मी में। फिर क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से चलकर यहाँ पर पौंडीचेरी, तमिलनाडु ये आता है। फिर उसके बाद जो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, जो विंटर में बारिश कराता है उसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं। ये मेडिटेरियन सी से चलते हुए, कैस्पियन सी से चलते हुए इंडिया में आता। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब के रीजन में, राजस्थान के रीजन में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और ये एक चैम्बर बन जाता है, पॉल्यूशन चैम्बर बन जाता है। इसीलिए इसके लिए एक स्पेशल प्लान की ज़रूरत है। इसीलिए दिवाली में पटाखों पर बैन लगाया गया है दिल्ली में। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड है। क्या है कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला है कि आप 3000 क्यूसेक वाटर जो है तमिलनाडु को रिलीज़ कीजिए। हमने कई बार इसे डिस्कस किया है, इन फ्यूचर हम कावेरी की ट्रिब्यूटरी, ओरिजन और सब चीज़ फिर से डिस्कस करेंगे। देखो आप अच्छे नेवर से क्या होता है, अच्छे नेवर से प्रॉस्पेरिटी आती है, ठीक है, कोऑपरेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। तो यही है, देखो पाकिस्तान जो हमारा वैड नेवर्स है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस इंडिया में आ सकता है। तालिबान रिजीम जो अनकोऑपरेटिव बिहेवियर रख रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आर्टिकल आप यूज़ कर सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ करते हो कि कैसे बैड नेवर्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हम पहला आर्टिकल जो है आज का वो देख लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो हमारा रिलेटेड है राजा राम मोहन राय के बारे में। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राजा राम मोहन राय एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म में। सती को रिमूव करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप नोट कर लीजिए, सती प्रथा जो उनके घर में भी मौजूद थी, उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, ठीक है। तो इनका जन्म हम देख लेते हैं, 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 22 मई 1772 में बंगाल में हुआ था और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिनासा कहा जाता है। मतलब इन्हें मॉडर्न इंडिया की रिनासा के लिए फादर की उपाधि दी गई है। देखो फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ इंडिया, रिनासा वर्ड कहाँ से आया, देखो रिनासा का मतलब होता है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट, लिबरल रिफॉर्मिस्ट, रेशनैलिटी, आप जो है डॉगमा पे बिलीव नहीं करते हैं, फालतू के रिचुअल्स पे बिलीव नहीं करते हैं, आप साइंटिफिक वेस लेते हैं, ये सब रिनासा की एक मतलब रूट्स हैं जो रिनासा में यूज़ होती हैं। तो हमारे राजा राम मोहन राय जी को इंडियन रिनासा का फादर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें सेवरल लैंग्वेजेस का ज्ञान था, जैसे अरेबिक, पर्सियन, संस्कृत, ये बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे। मतलब एक तरह से ये अच्छे टीचर, अच्छे फिलोसफर, अच्छे सोशो एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अब इन्होंने यहाँ मतलब आर्टिकल नहीं सॉरी अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने अपनी लाइफ जो है डिवोट कर दी थी रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। आपको पता होगा
प्रेस की आज़ादी के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे वर्क किए, ठीक है। इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जैसे संबद कमोदी बंगाली में, मिरातुल अकबर पर्सियन में, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ नोट की हैं, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कम मिलेंगी आज के आर्टिकल में, मगर प्रिलिम्स की चीज़ ही आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बुक जो लिखी, तूफत उल मुवाहिदीन लिखी, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट जिसका इंग्लिश में नाम था, ये आपको पूरी पीडीएफ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट गूगल पर मिल सकती है, और परसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है। ये सारी इन्होंने बुक लिखी, इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, प्रेस के लिए काम स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी फेमस रहती है वो रहती है रिलीजियस रिफॉर्म के लिए ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज से पहले कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, क्रोनोलॉजी पूछता है। क्रोनोलॉजी पूछता है कि आपको, आप बताइए कि आत्मीय सभा पहले बनी थी या ब्रह्मो समाज पहले बना था। तो आप देखेंगे आत्मीय सभा 1814 में बनी थी, उसके बाद ब्रह्मो समाज 1828 में बना। इसका मेन रोल था रिलीजियस रिफॉर्म करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना, लोगों में यूनिटी क्रिएट करना, ये सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। इन्होंने फाउंड किया वेदांता कॉलेज, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न लर्निंग इंट्रोड्यूस की, ठीक है। सती को इन्होंने रिमूव किया, देखो 1820 में, थ्रू लेजिस्लेशन पास बाई विलियम बेंटिंक। आपको मुझे बताना है विलियम बेंटिंक क्यों फेमस है, आपको बस एक शब्द में मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना है विलियम बेंटिंक कौन थे। देखो सती ये आप रिमूव हुई है, ऑल ओवर इंडिया रिमूव नहीं हुई थी, आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इनिशियली बंगाल में रिमूव हुई थी, तो कभी कभी यूपीएससी खेला कर देता है, पूछ लेता है कि 1829 में ऑल ओवर इंडिया सती पर बैन लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, जो राजा की उपाधि इन्हें मिली, राजा राम मोहन राय, इन्हें अकबर सेकंड जो मुगल किंग थे उनके द्वारा दी गई। ये राजा की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि राजा राम मोहन राय ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले थे अकबर सेकंड की पेंशन्स के लिए, तो उसकी इनिशिएटिव के लिए, उसके अच्छे वर्क के लिए इन्हें राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा दी गई। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे राजा राम मोहन राय के बारे में, क्यों इन्हें मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया रेनेसा का, कब पैदा हुए, इन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज की जानकारी थी, ब्रह्मो समाज कब स्टेबलाइज हुआ, सती कब रिमूव किया गया, वेदांता कॉलेज में कैसी एजुकेशन मिलती थी, इंडियन और वेस्टर्न दोनों मिलती थी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, और इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आर्टिकल हमने आज डिस्कस किया, अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड, पूरा एलोबरेटली आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो भी आपके मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। देखो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है G20 के सम्मिट में जो भारत मंदपम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ। मैंने आपको भारत मंदपम के बारे में बताया है, ये मंदपम जो है बनाया गया, कैसे बनाया गया, कैसे ये कर्नाटका से रिलेट करता है हमारी एंशियंट हिस्ट्री में, क्या इसका योगदान है, पहले आपको डिस्कस किया है, इन फ्यूचर हम जब भी आएगा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भारत मंदपम में जो G20 का सम्मिट हुआ उसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया गया। इसमें जो मेंबर हैं वो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंडिया UAE सऊदी अरेबिया यूरोपियन यूनियन फ्रांस इटली इजराइल एंड अमेरिका। इजराइल नहीं है, आप याद रखिए यहाँ पर इजराइल का जिक्र नहीं हुआ है, मगर इजराइल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो अमेरिका का जिक्र हुआ, जबकि अमेरिका आसपास कहीं पर भी नहीं है, अभी हम मैप देखेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स में आपसे पूछता है कि इसके मेंबर कौन कौन है, वहीं पर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, जो भी मेंबर नेशन है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, कहीं लिख लीजिए ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। तो इसराइल इसका मेंबर नहीं है अभी तक, इन फ्यूचर शामिल हो सकता है, कोई पता नहीं है। अब इसके बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखो इसको जो शॉर्ट में नाम रखा गया है वो पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पर लैंड रूट से जो है, देखो ये रेल जाएगी, और जहाँ जहाँ
वाटर रूट है, वहाँ पर शिपिंग होगी। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पार्टनरशिप फॉर रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो क्रिएट करेगा ही करेगा, और ये अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करेगा चाइना एंड बेल्ट, चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्योंकि ये उसको रिटेलिएट करेगा और एक प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत सारी कंट्री की सॉवरनिटी की उल्लंघन करता है। इस सॉवरनिटी के उल्लंघन से लेकर यूएसए ने और इंडिया ने चिंता जताई है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इसमें G7 कंट्री भी इसको स्ट्रेंथन करने के लिए साथ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि पूरा कॉरिडोर जो होगा वो रेल और सी रूट से जुड़ा होगा, इसमें कॉमर्शियल हब होंगे, डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा अंडरसी केबल को, और टेली कम्युनिकेशन लाइन भी बिछाई जाएंगी। मतलब आप एक चीज़ यहाँ जान लो बहुत अच्छे से, पहली बात ये रेलवे और सी से रिलेटेड है। अगर आपके सामने कोई और लेन आता है, जैसे बस लेन आता है या फिर कुछ भी यूज़ होता है, तो वहीं पर गलत हो जाएगा। रेलवे और सी है, और केबल सी आता है तब भी गलत हो जाएगा। आपसे ऐसे UPSC पूछ सकता है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट से होकर जाएगा उसमें केवल सी रूट शामिल है, वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मेंबर नेशन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर दिए, ये एक्सेप्शन है USA, बाकी आपको इसके रूट में सभी मिलेंगे। सऊदी अरेबिया देखो मिलेगा, देखो UAE मिलेगा, सऊदी अरेबिया मिलेगा, आपको यहाँ यूरोपियन यूनियन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जानना चाहिए। अब गुड्स और सर्विस का ट्रांजिट होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। अब वही बात बताई गई है कि इसके पर्पस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और वहाँ की टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी दे सकेंगे। ठीक है, ये मैरीटाइम के सपोर्ट को बढ़ाएगा, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजिट होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकेगा, यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई। अगला आर्टिकल त्रिपुरा लैंड से रिलेटेड है, त्रिपुरा मोथा पार्टी, जो क्या कहते हैं त्रिपुरा मोथा पार्टी, दो पार्टियों का एक वो था, मर्जर था, क्या हुआ है, दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी ने क्विट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग कहाँ से इमर्ज होकर आई और त्रिपुरा मोथा पार्टी क्या चीज़ है। देखो त्रिपुरा, जो त्रिपुरा है, आपको मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से अदर स्टेट से घिरा हुआ है, मतलब एक तरफ तो हमारे इंडिया है, केवल मिजोरम और आसाम से मिलता हुआ, बाकी ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिपुरा मोथा पार्टी का क्या कहना है कि हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाना चाहते हैं, जिसमें बांग्लादेश का कुछ रीज़न आता है, आसाम का कुछ रीज़न आता है, और कुछ रीज़न मिजोरम का आता है। तो हम चाहते हैं कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बने और इंडिजीनियस कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, मतलब क्या हुआ है 1971 के बाद जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ है, तो बहुत सारे माइग्रेंट यहाँ आए, तो माइग्रेंट के आने से क्या हुआ कि इनका इंडिजीनियस कल्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया और ट्राइबल पीपल की पॉपुलेशन घटती चली गई। यही चीज़ है कि यहाँ पर त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस और इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इन्होंने मिलकर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की कोशिश की, मगर इस डिमांड के पीछे डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों के इन्वॉल्व हैं, इंडिजीनियस राइट्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये डिमांड क्या है, सेपरेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड है, और इसके लिए ये कहना चाह रहे हैं यहाँ की जो मतलब इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की, वो कहना चाह रही हैं आप आर्टिकल 2 और 3 में तब्दीली करो और एक हमें सेपरेट स्टेट प्रोवाइड करो। ठीक है, तो मगर ये अभी पॉसिबल नहीं है, इस पर कोई विचार भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा, मगर हम देख लेते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बहुत जोर देकर पहले भी समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, लगातार 2 लेक्चर में समझाया है कि आर्टिकल 2 जो है वो हमारे आउटर रीजन से रिलेट करता है, मतलब हम अगर फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करते हैं और अपने इंडिया की टेरिटरी देते हैं किसी को, उससे आर्टिकल रिलेट करता है, जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि आप
अपने अंदर जो इंडिया के स्टेट हैं, जो इंडिया के स्टेट हैं यहाँ पर, उसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ब्रॉडन कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं किसी स्टेट को। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब हम अपनी टेरिटरी किसी को देते हैं, आप याद रखना इस बात को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और जब हम किसी से टेरिटरी लेते हैं और उसकी टेरिटरी अपने में इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको फोर्स देके समझाया था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना, देखो आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप किसी भी स्टेट को बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्टेट को घटा सकते हैं। जबकि आप सेसेशनिस्ट करते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट को किसी फॉरेन टेरिटरी में देते हैं, जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी अपनी दी थी, बांग्लादेश को कुछ टेरिटरी दी थी इंक्लेव, और कुछ इंक्लेव उनसे वापस ली थी। तो क्या जो देने की वजह से क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 2 के अंदर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है त्रिपुरा में। अब आर्टिकल 2 और 3 में मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया कि कैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वर्क करता है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया कि त्रिपुरा जो था वो हिस्टोरिकली मणिक्य डायनेस्टी से गवर्न करती थी 13th सेंचुरी में। 1949 में क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंदर इसे इन्वॉल्व कर लिया और अपने इंडिया का पार्ट बना लिया। तब उसमें एंजाइटी थी इंडिजीनियस पीपल में कि हमारा इंडिजीनियस कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा, और इस डाइल्यूशन का सबसे बड़ा कारण बना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बंगालीज। क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में जो डिस्टेबिलिटी हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, 1947 से 1971 तक बहुत ज़्यादा माइग्रेंट का क्राइसिस हुआ और इंडिया में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, 1881 में जो 63% इंडिजीनियस कम्युनिटी थी वो 2011 में घटकर 31% हो गई, ठीक है। तो इतने कन्फ्लिक्ट रहे, इंसर्जेंसी रही, ये सब चीज़ें इसमें जो है इम्पॉर्टेंट रही, ठीक है। अब इसको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। गवर्नमेंट ने क्या किया, त्रिपुरा को 6th शेड्यूल में ऐड किया। मैंने आपको पहले बताया 6th शेड्यूल में ATMM, मैंने आपको बताया था ATM शॉर्ट फॉर्म, क्या, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 स्टेट 6th शेड्यूल में आते हैं। ये ऑटोनॉमस काउंसिल बना सकते हैं, और इस ऑटोनॉमस के राइट्स जो हैं वो टैक्स से रिलेटेड हैं, मैरिज से रिलेटेड हैं, वो 5th शेड्यूल से कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल्स या फिर शेड्यूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए थे, ठीक है। इसीलिए इन आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे शेड्यूल्स का, और बहुत ज़्यादा UPSC के द्वारा डिफरेंस पूछा जाता है 5th और 6th शेड्यूल में। मैं आपसे शेयर कर दूंगा किस वीडियो में मैंने 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस शेयर किया था, कि कैसे मैंने बताया था कि 5th और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने आज डिस्कस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे राजा राम मोहन राय के बारे में, और इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, और त्रिपुरा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम थोड़ा सर्वाइव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।